हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल फंडास, एबीसी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है सर्किट ब्रेकर, उसमें हमने एक नया सीरीज हमने शुरू किया है, कंट्रोल सर्किट ऑफ ब्रेकर। उसमें हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो ब्रेकर का जो कंट्रोल सर्किट होता है उसको डीसी सप्लाई कैसे होता है, डीसी सप्लाई टू द ब्रेकर हमने देखा था। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले कि क्लोजिंग सर्किट जो होता है, एक 33 केवी आउटडोर गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और एक्सपेशली मेक सीजीएल का देखने वाले। इसमें हम लोग क्लोजिंग सर्किट के बारे में सब लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। उसके पहले एक कोट लेते हैं हम लोग। कोट ऑफ द डे, मैन इन हिज मैडनेस डजंट रियलाइज दैट गॉड हैज मेड हिम फ्रॉम अमीबा टू दिस स्टेज फॉर सम पर्पज, एंड दैट पर्पज इज टू नो योर स्पिरिट। ठीक है, तो इस कोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, क्लोजिंग सर्किट ऑफ 33 केवी आउटडोर गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोजिंग सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, एलिमेंट्स यूज इन द क्लोजिंग सर्किट। ठीक है, तो सबसे मेन एलिमेंट जो होता है क्लोजिंग सर्किट में वो होता है हमारा क्लोजिंग कॉइल। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये है हमारा क्लोजिंग कॉइल। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग कॉइल है। ओके, क्लोजिंग कॉइल में क्या होता है, क्लोजिंग कॉइल अगर ऑपरेट होगा, अगर सपोज ये हमारा क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट होगा तो क्या होता है, क्लोजिंग प्लंजर अट्रैक्ट करता है। ये क्लोजिंग कॉइल जो है, वो क्लोजिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये जो क्लोजिंग कॉइल है उसको हम लोग कंटिन्यूअस नेगेटिव दे के रखते हैं, एक एंड में उसको कंटिन्यूअस नेगेटिव दे के रखते हैं, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव डीसी वोल्टेज दे के रखे, और दूसरी एंड जो है वो हमारे टीएनसी स्विच थ्रू उसको पॉजिटिव एक्सटेंड होगा। जब ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। अब ये टीएनसी स्विच क्या होता है, ये टीएनसी मतलब ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज, इसको बोलते हैं टीएनसी स्विच। ठीक है, तो ये जब इसको टीएनसी स्विच को हम लोग एक एंड से पॉजिटिव देके रखते हैं, पॉजिटिव डीसी कंटिन्यूअसली देके रखते हैं एक एंड को, और जब ये टीएनसी स्विच हम लोग सी पे डालेंगे, टीएनसी स्विच सी पे डालेंगे तो ये जो पॉजिटिव है वो आगे एक्सटेंड होगा हमारे क्लोजिंग कॉइल को, और क्लोजिंग कॉइल को कंटिन्यूअस नेगेटिव है तो हमारी क्लोजिंग कॉइल हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। और उसके बाद एक बार इसको सी पे डाल दिया तो स्प्रिंग, वो मैकेनिकल स्प्रिंग एक्शन ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल मतलब एन पे वो आ जाता है टीएनसी स्विच। ओके, तो अभी हमने इसमें क्लोजिंग कॉइल का देखा फंक्शन और हमारा टीएनसी स्विच का फंक्शन देखा हमने। ठीक है, भी उसमें हम लोग दूसरा एलिमेंट एक ऐड करेंगे, उसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी आपने देखा कि इसमें से ये सर्किट थ्रू हो जाएगी तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये करंट लिमिट करने के लिए ये रेजिस्टेंस, क्लोजिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं हम लोग। ओके, अभी क्लोजिंग रेजिस्टेंस हो गया, अभी हम लोग तीसरा एलिमेंट ऐड करेंगे। तीसरा एलिमेंट है नॉर्मली क्लोज एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 52B। ठीक है, ये जो है ये तीसरा एलिमेंट हमने इधर ऐड कर दिया है, एक नॉर्मली क्लोज एनसी कॉन्टैक्ट 52B। अभी हमने टीएनसी स्विच के फंक्शन वर्किंग में देखा था कि ये जो टीएनसी स्विच है हम उसको सी पे डालते हैं तो पॉजिटिव हमारा आगे एक्सटेंड होता है, ये जो पॉजिटिव उसको टीएनसी स्विच को कंटिन्यूअसली दिया हुआ है वो पॉजिटिव आगे एक्सटेंड होता है। पर सपोज ये मैकेनिकल है इसका, सपोज टीएनसी स्विच का स्प्रिंग्स फेल हो गए, वो स्टकअप हो गया सी पे, इस पोजीशन सी पे ही स्टकअप हो गया टीएनसी स्विच। टीएनसी स्विच अगर स्टकअप हो गया तो क्या होगा, ये जो है कंटिन्यूअस डीसी जाएगा हमारे क्लोजिंग कॉइल को, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्लोजिंग कॉइल जो है, क्लोजिंग कॉइल ये जो इसका डिजाइन किया हुआ रहता है वो कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए डिजाइन नहीं रहता, वो खाली शॉर्ट टाइम रेटिंग के लिए डिजाइन होता है। उसको डीसी सप्लाई हम लोग फ्यू सेकेंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए ही दे सकते हैं। तो ये अगर टीएनसी स्विच क्लोज पे स्टकअप हो गया तो इसको कंटिन्यूअस क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई रहेगा, अगर
ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो इसको कंटिन्यूस सप्लाई रहेगा और ये हमारा क्लोजिंग कॉइल जल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, ब्रेकर का एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट डाल देते हैं। अब ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये जो पावर कॉन्टेक्ट होते हैं ब्रेकर के, मेन पावर कॉन्टेक्ट होते हैं उसको, ब्रेकर के मेन पावर कॉन्टेक्ट होते हैं उसको एक हम लोग उसके जो ऑपरेटिंग जो मूवेबल रॉड होता है ब्रेकर का, उसको हम लोग एक ऑक्सिलरी स्विच कनेक्ट करते हैं और वो ऑक्सिलरी जैसे ब्रेकर ऑन ऑफ होता है वैसे वो ऑक्सिलरी रोटेट करता है उस, और ऑक्सिलरी स्विच पे जो कॉन्टेक्ट होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट उसको बोलते हैं, वो एनओ के वो ओपन के क्लोज हो जाते हैं और क्लोज के ओपन हो जाते हैं, ऐसे चेंज होते हैं। मतलब हम लोग इसको ब्रेकर ऑन ऑफ स्टेटस की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्रेकर ऑन ऑफ स्टेटस की तरह भी ले सकते हैं। तो अभी ये हमने इधर यूज किया है, तो जैसे ही एक बार हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, हमारा ब्रेकर एक बार ऑन हो गया तो ये जो क्लोज कॉन्टेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। इधर बाजू में ब्रेकर ऑन कंडीशन में ये दिखा है, इधर ये ओपन हो जाएगा। अभी ये इधर ओपन हो गया एक बार तो क्या कर देता है, वो हमारी क्लोजिंग सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्लोजिंग सर्किट ब्रेक हो गई तो अगर हमारा टीएनसी स्विच सी पे भी स्टकअप है तो भी हमारी क्लोजिंग कॉइल नहीं जलेगी, क्योंकि अभी वो हमारी क्लोजिंग सर्किट ओपन हो गई है, ठीक है। ये फंक्शन ये इसके लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट 52B हम लोग क्लोजिंग सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी देखेंगे हम लोग स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच। अभी हम लोग देखेंगे एक कॉन्टेक्ट और ऐड करेंगे, स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच का एक कॉन्टेक्ट ऐड कर देंगे। इसका क्या होता है फंक्शन, अगर हमारी स्प्रिंग चार्ज होगी तो ही हमारा ब्रेकर क्लोज होगा। ये एक इंटरलॉक है, एक हमको इंटरलॉक देना है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्टेक्ट डाल देते हैं लिमिट स्विच का, ये तभी क्लोज होगा जब हमारी स्प्रिंग चार्ज है, क्लोजेस व्हेन द स्प्रिंग्स आर चार्ज। तो ये सर्किट थ्रू होगा तो ये पॉजिटिव आगे एक्सटेंड हो पाएगा, ठीक है, ओके, और हमारा ब्रेकर क्लोज हो सकता है। ये हो गया हमने स्प्रिंग चार्ज का भी देखा। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी पंपिंग रिले का कॉन्टेक्ट क्यों यूज करते हैं क्लोजिंग सर्किट में। तो ये एक एंटी पंपिंग रिले का एक एनसी कॉन्टेक्ट हमने क्लोजिंग सर्किट में डाल दिया है। अभी इसको क्यों यूज करते हैं देखेंगे। आपने देखा था कि क्लोजिंग कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये जो है 52B ऑक्सिलरी एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज करते हैं। तो जब कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारा टीएनसी स्विच स्टकअप होगा तो ये एनसी कॉन्टेक्ट ये ओपन हो जाएगा और हमारे क्लोजिंग कॉइल को प्रोटेक्ट कर देगा, हमने ये देखा था। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है ये मैकेनिकल कॉन्टेक्ट है, ये थोड़ा स्लगिश है। मतलब ये जब ब्रेकर हमारा क्लोज होगा तब ये ओपन हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, इट टेक सम टाइम फॉर इट्स ओपनिंग, इट इज स्लाइटली स्लगिश। तो हमारा क्लोजिंग कॉइल उतने पीरियड में जल सकता है, इट कैन गेट बर्न। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिले लेते हैं, एंटी पंपिंग रिले उसको बोलते हैं। उसकी कॉइल जो है हमारे क्लोजिंग कॉइल के अक्रॉस मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी और उसका जो नेगेटिव है कंटिन्यूस मिलेगा एंटी पंपिंग रिले को, और जो पॉजिटिव है वो इधर से ऐसे जाएगा जब क्लोजिंग करते टाइम, पॉजिटिव जो है इधर से ऐसे उसको पॉजिटिव मिलेगा। एक बार इसको पॉजिटिव मिल गया तो वो क्या कर देगा, इस कॉन्टेक्ट को वो ओपन कर देगा, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्ट है ये हमारे ऑक्सिलरी स्विच ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से फास्ट ऑपरेटिंग है, तो ये हम उसको तो ये क्लोजिंग कॉइल को एक एडेड प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको बाजू में देखेंगे, जब ब्रेकर ऑन होता है तो ये जो है तो क्या होता है कंडीशन, ब्रेकर ऑन होने के बाद ये जो है एंटी पंपिंग रिले को एक बार पल्स मिल गया था ऑन होते टाइम, सो नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव मिल गया, वो एनर्जाइज हो गया, उसने ये कॉन्टेक्ट एंटी पंपिंग का कॉन्टेक्ट खोल दिया, हमारा क्लोजिंग सर्किट हो गया ओपन, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज एक बार ब्रेकर क्लोज होने के बाद फिर से मोटर ऑपरेट होती है, स्प्रिंग चार्ज होती है, स्प्रिंग चार्ज होने की वजह से ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाता है, ठीक है।
और एक बार ब्रेकर ऑन हो गया तो ये 52B जो पहले एनसी था वो अभी वो ओपन हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये इसका इसका फंक्शन है एंटी पंपिंग रिले का। ठीक है, एंटी पंपिंग रिले का और एक फंक्शन है कि वो हंटिंग इफेक्ट जो होता है ब्रेकर में वो प्रिवेंट करता है। इस पे हमने एक अलग से टॉपिक बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और तो देखते हैं कैसे एंटी पंपिंग इफेक्ट कैसे कैसे वो क्या होता है और एंटी पंपिंग डिवाइसेस को कैसे प्रिवेंट करती है। उसके लिए हमको तीन कंडीशन देखना है। फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि एंटी पंपिंग रिले नहीं है सर्किट में। सेकेंड कंडीशन है कि टीएनसी स्विच जो है वो सी पे स्टकअप हो गया है, क्लोजिंग पे स्टकअप हो गया। थर्ड थिंग देर इज अ परमानेंट फॉल्ट ऑन द लाइन, प्राइमरी साइड पे कंटिन्यूअस एक फॉल्ट है। ओके, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये एक्सटेंड होगा। हमारे टीएनसी स्विच अगर सी पे है तो वो पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा। आप इधर देख रहे हैं कि एंटी पंपिंग का कांटेक्ट नहीं है, सीधा स्प्रिंग चार्ज है। स्प्रिंग चार्ज के कांटेक्ट के बाद ऑक्सिलरी कांटेक्ट है, एनसी ऑक्सिलरी कांटेक्ट, रेजिस्टेंस है, कॉइल है। ठीक है, हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ब्रेकर ऑन हो गया तो इधर बाजू में हम लोग देखेंगे कि ब्रेकर ऑन हो गया। ब्रेकर ऑन होने के बाद क्या होगा, हमारा टीएनसी स्विच ये ऐसा स्प्रिंग चार्ज का क्लोज हो जाएगा। हमारा 52B ऑक्सिलरी कांटेक्ट वो ओपन रहेगा, ये क्लोजिंग कॉइल है, इसको नेगेटिव है। ठीक है, अभी क्या है, हमने थर्ड कंडीशन में क्या देखा था इधर कि देयर इज अ कंटी परमानेंट फॉल्ट ऑन द लाइन। परमानेंट फॉल्ट ऑन द लाइन है तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकर हो जाएगा ट्रिप, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ब्रेकर ट्रिप होने के बाद ये सर्किट हमने इधर दिखाया है ऑफ कंडीशन में। ब्रेकर ट्रिप होने के बाद क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप होने के बाद क्या होगा, हमने एक सेकेंड कंडीशन देखा था टीएनसी स्टकेट सी, टीएनसी स्टकअप एट सी, तो हमने पल्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये पॉजिटिव जो है वो आगे एक्सटेंड होगा। स्प्रिंग चार्ज का कांटेक्ट क्लोज है, ऑक्सिलरी ब्रेकर ऑफ कंडीशन में हमने देखा 52B क्लोज है, तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे क्लोजिंग कॉइल को। क्लोजिंग कॉइल का कंटिन्यूस नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकर हो जाएगा क्लोज, हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फिर वो फिर उसके बाद फॉल्ट परमानेंट है तो फिर से ट्रिप होगा, फिर से क्लोज होगा। ठीक है, ये क्लोज क्लोज ट्रिप क्लोज ट्रिप होते रहेगा तो हमारा पूरा ब्रेकर का मैकेनिज्म टूट जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंटी पंपिंग रिले है, एंटी पंपिंग रिले यूज करते हैं, उसका एक बार उसको ऑन करते टाइम उसको एक बार एनर्जाइज हो गया तो वो अपना कॉन्टेक्ट खोल देगा। कॉन्टेक्ट उसने खोल दिया तो भले ही उसको कंटिन्यूस ये है ब्रेकर टीएनसी स्विच सी पे है, स्टकअप है, फिर भी वो ब्रेकर को क्लोज ट्रिप नहीं करेगा। इसको इस तरह से हमने देखा अभी एंटी पंपिंग डिवाइस कैसे हमारे क्लोजिंग कॉइल को प्रोटेक्ट करती है और एंटी पंप और एंटी हंटिंग इफेक्ट प्रिवेंट करती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे लोकल और रिमोट क्लोजिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रेकर है, ये हमारा रिले पैनल या कंट्रोल पैनल है। ठीक है, पहले हम लोग लोकल क्लोजिंग सर्किट देखेंगे। जो पॉजिटिव आता है हमारे रिले पैनल और कंट्रोल पैनल से वो जाता है एमसीबी को, एमसीबी के बाद वो जाता है लोकल रिमोट स्विच को। ठीक है, अगर लोकल रिमोट स्विच लोकल पे है तो ये पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा हमारे टीएनसी स्विच को, लोकल टीएनसी स्विच जो ब्रेकर में होता है उसको। अगर ये टीएनसी स्विच हमने सी पे डाल दिया, क्लोजिंग पे डाल दिया, तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे क्लोजिंग कॉइल को। क्लोजिंग कॉइल को कंटिन्यूस नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और हमारा ब्रेकर क्लोज हो जाएगा लोकली, इसको बोलते हैं लोकल क्लोजिंग। और हम लोग अभी देखेंगे रिमोट क्लोजिंग कैसे होता है। रिमोट क्लोजिंग में हम लोग पॉजिटिव ले लिया, इधर से हमने रिले पैनल का पॉजिटिव ले लिया, फिर उधर से हो गया टीएनसी स्विच को। ठीक है, और ये टीएनसी स्विच हमने अगर क्लोजिंग पे डाल दिया तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा फर्दर लोकल रिमोट स्विच पे। अगर ये रिमोट पे है लोकल रिमोट स्विच तो ये पॉजिटिव ऐसे इस तरह से आएगा, सीधा क्लोजिंग कॉइल को आएगा, क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी हमारे, इसको बोलते हैं हम लोग रिमोट क्लोजिंग, जो कि होता है रिमोट टीएनसी स्विच क्लोजिंग से। ओके, पर इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग को एक इंटरलॉक लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटरलॉक क्या है देखेंगे हम लोग, एक इंटरलॉक लेना पड़ेगा। मतलब सपोज ब्रेकर ऑफ है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, हमने अगर ब्रेकर को ऑफ रखा है उसका मेंटेनेंस करने के लिए, उसका उसके ऊपर कुछ काम चालू है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा ब्रेकर क्लोज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उसमें बंदा काम कर रहा है अगर और ब्रेकर हमारा क्लोज हो गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकर शुड नॉट बी क्लोज्ड, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेकर का डीसी हम लोग ऑफ करके रखते हैं, ब्रेकर का जो एमसीडी होता है ना उसको हम लोग ऑफ करके रख देते हैं, तो ब्रेकर हमारा क्लोज नहीं हो पाएगा। पर इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर सपोज किसी ने रिमोटली पल्स दे दिया ऐसे डायरेक्ट जाके वो क्लोजिंग कॉइल को, तो वो रिमोट तो ब्रेकर क्लोज हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव जो यूज किया है रिमोट क्लोजिंग के लिए, रिमोट क्लोजिंग पॉजिटिव, इसको इधर ये पॉजिटिव ना यूज करके हम लोग ब्रेकर का पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करते देखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे वो इंटरलॉक हम लोग कैसे लेते हैं। ये हो गया हमारा लोकल सर्किट, पॉजिटिव गया है लोकल रिमोट स्विच को, लोकल पे है तो लोकल से वो टीएनसी स्विच, ये ऐसे टीएनसी स्विच क्लोजिंग कॉल का जाएगा, क्लोजिंग कॉल का परमानेंट नेगेटिव है। पर हम लोग जो पॉजिटिव जो रिमोट क्लोजिंग के लिए पॉजिटिव जो है वो इधर से ना लेके, वो रिले पैनल से ना लेके हम लोग इधर से लेंगे, ब्रेकर से लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा इधर से ऐसे जाएगा लोकल रिमोट स्विच को, लोकल रिमोट स्विच अगर रिमोट पे है तो ये पॉजिटिव हमारा जाएगा अंदर टीएनसी स्विच को, टीएनसी स्विच अगर सी पे है तो ये पॉजिटिव ऐसे ऐसे इस तरह से जाएगा डायरेक्ट हमारे क्लोजिंग कॉइल को और हमारा क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग पॉजिटिव जो है वो हम लोग ब्रेकर का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्लोजिंग पॉजिटिव, K5 उसको फेरल हम लोग यूज करते हैं, क्लोजिंग के लिए K21 यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रिमोट क्लोजिंग कैसे होता है और लोकल क्लोजिंग कैसे होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल डायग्राम ब्रेकर का देखेंगे कैसे होता है, उसमें उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। उसके पहले कोई भी ब्रेकर का ड्राइंग देखने से पहले हम लोग दो कंडीशन उसमें देखेंगे कि ब्रेकर इज इन ऑफ कंडीशन, ब्रेकर कभी भी ऑफ कंडीशन में होता है, और दूसरा है कि ऑल द एलिमेंट्स जो भी ड्राइंग में यूज किए हैं वो डी एनर्जाइज स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक थिंग इधर एज्यूम करेंगे कि ब्रेकर ऑफ कंडीशन में है, स्प्रिंग्स चार्ज्ड है, एक कंडीशन हम लोग एज्यूम कर देंगे कि स्प्रिंग्स आर चार्ज्ड। ठीक है, हाँ, तो ये उसका ब्रेकर का ड्राइंग है हमारा, एक सीजीएल का 33 kV का आउटडोर गैंग ऑपरेटेड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एक ड्रॉइंग है, ये हमारा डायग्राम है। इधर इस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए उनका सिंबल इधर लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि डीसी देते हैं ब्रेकर को, हम जो डीसी सप्लाई जो देते हैं K1 और K2 वो इधर देते हैं हम लोग, जो पैनल के अंदर से आता है, ये K1, ये हमारा है K1। ठीक है, और ये है हमारा K2। ठीक है, K1 K2 इधर आ गया, ओके, डीसी सप्लाई आ गया। उसके बाद ये जो K1 है ये जाता है, ये हमारे MCB को जाता है, MCB के थ्रू ये जो K1 है, ये जो DC है वो जाता है हमारा लोकल रिमोट स्विच को। ठीक है, लोकल रिमोट स्विच को, और इधर से ये नेगेटिव जाता है हमारे क्लोजिंग कॉइल को। ठीक है, क्लोजिंग कॉइल को नेगेटिव गया हमारा। फिर हम लोग पहले देखेंगे कि लोकल क्लोजिंग कैसी होती है, ये लोकल को गए, अगर ये लोकल पे है तो ये पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा, ये टीएनसी स्विच है हमारा, टीएनसी स्विच अगर क्लोज पे है तो ये पॉजिटिव आगे एक्सटेंड होगा। फिर उसके बाद टीएनसी स्विच के बाद ये D1295-1 है, ये एंटी पंपिंग का कॉन्टेक्ट है, D1295-1 आप इधर देख सकते हैं, इधर भी लिखा होगा D1295 इज एन एंटी पंपिंग डिवाइस। ठीक है, ये हमारा क्लोज है, D1ZZ2 हमने अज्यूम किया कि स्प्रिंग चार्ज है, तो भी ये स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट है तो ये भी क्लोज होगा, तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, इसमें दो कॉन्टेक्ट यूज किए सीरीज में कनेक्ट करके, ये हमारा क्लोज है, ब्रेकर ऑफ कंडीशन में ये क्लोज रहता है, ये हमारा क्लोजिंग रजिस्टर है, ये पॉजिटिव फिर आएगा क्लोजिंग कॉल को और हमारा क्लोजिंग कॉल ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल क्लोजिंग। अब रिमोट क्लोजिंग कैसे होता है देखेंगे, ये रिमोट क्लोजिंग के लिए पॉजिटिव ऐसे इधर से ऐसे एक्सटेंड होता है आगे लोकल रिमोट स्विच पे, लोकल रिमोट स्विच रिमोट पे डाला है, रिमोट पे डालने के बाद ये होता है हमारा K5, ये दिखा है फ्रॉम क्लोजिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल में ये जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल में ये जाएगा हमारे टीएनसी स्विच को। ठीक है, कंट्रोल पैनल में ये जाएगा हमारे टीएनसी स्विच को जाएगा, हमने देखा था पिछले डायग्राम, अगर ये कॉन्टेक्ट सी पे है तो ये वापस आएगा
इधर आके कनेक्ट होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ऐसे एक्सटेंड होगा, इधर से इधर ऐसे एक्सटेंड होगा, फिर इधर से K21, फिर इधर से ऐसे इधर से इधर आएगा, फिर हमारा जैसे एक लोकल क्लोजिंग हुआ था वैसे ही वो पॉजिटिव एक्सटेंड होगा हमारे क्लोजिंग कॉल को। तो इस तरह से हमने लोकल क्लोजिंग, रिमोट क्लोजिंग हमने प्रॉपर एक प्रैक्टिकल डायग्राम में देखा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक बार रिवाइज करेंगे कैसे कनेक्शन होते हैं और रिले पैनल कंट्रोल पैनल और ब्रेकर का कनेक्शन कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। ब्रेकर ऑफ कंडीशन में ये इधर है और ब्रेकर ऑन कंडीशन में इधर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर है, ये हमारी क्लोजिंग कॉइल है, ये हमारी क्लोजिंग कॉइल, उसको नेगेटिव देके रखा है हमने। पॉजिटिव जो है अभी हमने पार्ट वन में देखा था डीसी सप्लाई कैसे होता है, तो ये हमारा डीसी डीबी का बस बार है, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर से जाता है एमसीबी को। एमसीबी अगर ऑन होगा हमारा तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा इधर 1J1 होता है, उस फ्यूज के बाद वो हो जाता है K1। ये फेरुल हम लोग याद रखेंगे, फ्यूज के पहले J1 है, फ्यूज के बाद K1 हो जाता है। ये K1 हमने दिया हुआ है ब्रेकर को, ब्रेकर में एक एमसीबी है, एमसीबी जाएगा लोकल, वो एमसीबी के बाद में वो पॉजिटिव जाएगा लोकल रिमोट स्विच पे। अगर लोकल पे है तो ये पॉजिटिव एक्सटेंड होगा टीएनसी स्विच को। टीएनसी स्विच अगर सी पे है तो पॉजिटिव आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद वो एंटी पंपिंग रिले का एनसी कॉन्टेक्ट थ्रू, फिर स्प्रिंग अगर चार्ज है तो ये पॉजिटिव आगे बढ़ेगा, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का क्लोज होता है कॉन्टेक्ट, फिर ये रेजिस्टेंस और ये क्लोजिंग कॉल का। और अगर हम लोग को रिमोट क्लोज करने का है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोकल रिमोट स्विच है ये रिमोट पे डाल देंगे, तो ये जो क्लोजिंग पॉजिटिव है इसको बोलते हैं K5 क्लोजिंग पॉजिटिव है। इधर से ऐसे वो ऐसे डीसी आएगा, हाँ। तो फिर इधर क्लोजिंग सर्किट में तीन इंटरलॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीन इंटरलॉक्स क्या है देखेंगे हम लोग। एक है 195 एबीसी, 295 एबीसी, ये है ट्रिप सर्किट वन का फॉल्टी का कॉन्टेक्ट है। मतलब अगर ट्रिप सर्किट वन फॉल्टी है, हेल्दी है तो ये क्लोज होगा, ठीक है। अगर फॉल्टी है तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब हमको ब्रेकर क्लोज करने के लिए ट्रिप सर्किट हमारा हेल्दी चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसके ये दो कॉन्टेक्ट है। उसके बाद 86 ऑपरेटेड नहीं चाहिए, रिसेट कंडीशन में चाहिए। अगर 86 ऑपरेटेड है तो क्लोज करके कुछ फायदा ही नहीं, वो फिर से ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये रिसेट कंडीशन में चाहिए, ओके। उसके बाद जाता है हमारे टीएनसी स्विच को, ये हमारे कंट्रोल पैनल का टीएनसी स्विच है। ये अगर क्लोज पे होगा तो ये पॉजिटिव फर्दर एक्सटेंड होगा, ऐसे इस तरह से इधर आएगा, इधर से आएगा इधर, और इधर से डायरेक्ट जाके हमारे क्लोजिंग कॉल हमारी ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम डायग्राम हमने ब्रेकर ऑन कंडीशन में दिखाई हुई है। ऑन कंडीशन में क्या हो जाएगा, खाली ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है ये ओपन हो जाएगा, हमारा एंटी पंपिंग का कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट क्या होता है, स्प्रिंग एक बार क्लोज होने के बाद स्प्रिंग हमारी डिस्चार्ज होती है और फिर से चार्ज हो जाती है, वो चार्ज होने के बाद ये फिर से क्लोज हो जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम है इसमें, बाकी